हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्राई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज बच्चों हम लोग करेंगे चैप्टर फोर के एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर फोर का नेम है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए इसके हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ए ऑप्शन है वो टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट दैट हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? जैसी की बात है, इसके प्रॉपर्टी तो जैसी बात है, ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो उनको हम लोग क्या कहेंगे? मेटलॉइड कहेंगे। यानी इसका ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है। तो जैसे बात, ऐसा मेटल केवल एक ही है, मरकरी। तीसरा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट अलाउज देम टू बी हैमर्ड इनटू ए थिन सीट। यानी ऐसे मेटल की प्रॉपर्टी, यानी मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसको पीटने पर वो एक पतले से सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर जनरली, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कौन सी गैस। अगर कोई भी मेटल अगर वाटर का सैचुरेशन करता है तो वो हर हाल में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज दैट अलाउज मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी मेटल को खींच करके एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा डक्टिलिटी। फिर दूसरा है, मेटल दैट मेटल लाइक ए पुअर कंडक्टर ऑफ, यानी को कौन सा मेटल ऐसा है जो हीट का पुअर कंडक्टर है, तो वह है बिस्मथ। फिर इसके बाद, इज ए हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन नेचर। पूरे नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम सभी जानते हैं डायमंड ही है। उसके बाद ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद है, सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सर्फेस। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ नंबर्स लिखे हुए होंगे और इधर हमारे लिखे हुए हैं उनके अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो हम नंबर के आगे उनके अल्फ़ाबेट्स को इसमें इंडिकेट करेंगे। जैसे प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए ई ऑप्शन सही है, यानी टू मेक इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद सल्फर, सल्फर का डी ऑप्शन सही है। डी में क्या कह रहा है? यूज इन स्किन ऑरिंटमेंट। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का देखिए ये पानी डिसइनफेक्ट में करने के, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, ऊपर वाला ऑप्शन। उसके बाद कॉपर, कॉपर क्या किसके लिए? कॉपर यहाँ पर देखिए यूज्ड इन ए मेकिंग कैलोरी मीटर। उसके बाद लास्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या है? यूज्ड टू प्रिजर्व बॉडी आर्गन। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में पहला ऑप्शन है, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाई केमिकल मेथड, इसका होगा फॉल्स। फिर है दूसरा, वी यूज सिल्वर वायर टू मेक सोलर सेल, ये बात सही है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी बात सही है। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बात, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बात सही है। उसके बाद, हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर इन ए पॉपअप साउंड, ये भी बात सही है। मेटल दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर, ये भी बात सही है। उसके बाद, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और जैसी बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कॉपर वेसल्स को अगर मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक रखा जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, कॉपर मेटल अपनी साइनी प्रॉपर्टी क्या दे, खो देता है। तो क्या? इट लॉस इट्स मेटेलिक साइन।
यानी ये अपनी मेटल साइन को क्या कर देता है, खो देता है। तो देखिए यहाँ पर इनका सेकंड क्वेश्चन है, नेम द सेकंड मोस्ट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। दूसरा है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये बनता है मेटल ऑक्साइड। और तीसरा है, नेम द मेटल दैट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो जैसे बात हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, कॉपर। उसके बाद नेम वन मेटल दैट इज हाईली अनरिएक्टिव, एक है प्लेटिनम और एक है गोल्ड, जो सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव, लेकिन गोल्ड की भी तुलना में प्लेटिनम सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव, इसमें आप प्लेटिनम लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स आंसर है कि नेम ए सॉलिड मेटल एंड ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो जो सॉलिड मेटल है तो जाहिर सी बात है आप लोग सिल्वर, गोल्ड, आयरन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड मेटल है वो एक है, ये कौन है, मरकरी। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट हैपन व्हेन द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्या होता है जब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए जब इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, अगर आप सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा। जैसे ही आप सेंटेंस ये लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, इज दैट क्लियर। उसी तरह से आप ऑप्शन बी के लिए भी लिखिएगा, क्या लिखेंगे, व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, यानी ये सब मेटल के नाम लिए गए हैं तो आपको बताना था। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, जितने भी नॉन मेटल हैं वो सभी एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे और जितने भी मेटल होंगे वो सभी बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो देखिए कार्बन एक नॉन मेटल है, एसिडिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है, बेसिक ऑक्साइड, सल्फर एक नॉन मेटल है, एसिडिक, जिंक एक मेटल है, बेसिक, और आयरन एक मेटल है, बेसिक, इज इट क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाई रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लेने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड फॉर्म रस्ट, या इज कॉल्ड रस्टिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन मैग्नीशियम इज एडेड टू इट, राइट ए बैलेंस केमिकल फार्मूला। तो देखिए जब भी आप आंसर ये लिखेंगे, व्हेन, यहीं से लिखेंगे, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट बिकम डिसकलर्ड, क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट बिकम डिसकलर्ड। अब इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, ये लिखेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Mg इज इक्वल टू MgSO4 प्लस C, और यहाँ पर आप MgSO4 के नीचे क्या लिखेंगे, कलरलेस लिखेंगे। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जी ऑप्शन की तरफ, कह रहा है कि गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग, आपको केवल रीजन बताना है। तो देखें, इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दे हैव मेटेलिक लस्टर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, जैसी बात है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकते हैं और जितनी ज़्यादा वो रोशनी को अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगे उतना वो चमकीले दिखाई देंगे। उसके बाद ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल में ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज इट क्लियर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिए सेकंड आंसर, एक पैसेज है कि इन इवनिंग सोनू प्लेज गिटार फॉर पुअर चिल्ड्रेन ऑफ हिज कॉलोनी
दे ऑल इन्जॉय लिसनिंग टू द गिटार. सोनू इवन टीच सम ऑफ देम हाउ टू प्ले गिटार फ्री ऑफ कॉस्ट. ये स्टेटमेंट है. अब आपको बताना क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच स्ट्रिंग इन गिटार आर मेड ऑफ मेटल. तो जैसी बात है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से गिटार जो है स्ट्रिंग करती है, तो वो है सोनोरिटी. बात समझ में आ गई. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी लर्न फ्रॉम सोनू, हमें सोनू से क्या सीखनी चाहिए. तो जैसी बात है, सोनू एक काइंड हार्ट लड़का है और वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गिटार सिखाता है. लेकिन बी ए काइंड हार्ट फॉर पुअर चिल्ड्रेंस, गरीब बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, काइंड हार्ट होना चाहिए. उसके बाद ये अच्छा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी फाइव प्रॉपर्टीज व ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल. आपको वो पांच प्रॉपर्टी बतानी है जिसकी वजह से आप एक मेटल को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं. तो देखिए, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ कि पेज 43 पर आइए. तो सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 43. तो ये रहा पेज नंबर, देखिए ये पेज नंबर 43 है. तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके आंसर पे क्लिक करके रखे हुए, ये H1 का आंसर है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये फिजिकल स्टेट. यहाँ जो जितनी ब्लैक ब्लैक हेडिंग है सब लिख लिया, कि ये मत लिखिएगा. देखिए कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये लिख लीजिएगा. पहला आंसर होगा, क्या लिखेंगे, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आप जब लिखेंगे तो ये चीज़ को रिपीट करके एक दो बार और लिखिएगा कि ऑल मेटल हैव सॉलिड एंड दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिर दूसरा लिख लीजिएगा ये वाला, मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. तो ये केवल आप मेटल की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ब्रिटलनेस नहीं लिखेंगे. मेलेबिलिटी मतलब दिस प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी, आप ऊपर आ जाइएगा, टू बी हैमर्ड इन टू थिन सीट एंड फॉयल इज कॉल मेलेबिलिटी. ज्यादा सी बात है कि ये प्रॉपर्टी केवल मेटल में पाई जाती है, मेलेबिलिटी, कि आप किसी मेटल को पीटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा. इस तरह से जितने भी आपको प्रॉपर्टी मेटल के दिखेंगे, जैसे यहाँ पर डक्टिलिटी, ये लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी टू अलाउज द मेटल टू ड्रॉ थिन सीट, डक्टिलिटी. उसी तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर. डायमंड का मत लिखिएगा, बस केवल मेटल का, और सब में केवल दो दो लाइन लिखिएगा, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद लास्ट आंसर है. लास्ट क्या कह रहा था, स्टेट एनी थ्री फिजिकल प्रॉपर्टी एंड टू केमिकल प्रॉपर्टी टू प्रूव द कॉपर इज मेटल. तो आइए देखते हैं, मैंने इसका आंसर यहीं पर लिख के रखे हुए हैं. सबसे पहले थ्री फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कि कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और दूसरा चीज़ कि कॉपर के क्या बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं. तो कॉपर हैव टेंडेंसी ऑफ डक्टिलिटी. ठीक है, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा. उसके बाद वो दो आंसर, दो आपको इक्वेशन भी देने होंगे टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, दो केमिकल प्रॉपर्टी. तो देखिए यहाँ पर मैंने वो आप हिंट डाल लीजिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर. तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कॉपर रिएक्ट विथ वाटर एंड मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम, सॉरी, कॉपर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रस कार्बोनेट, जिसको हम लोग कॉपर के ऑक्साइड कहते हैं. इसकी वजह से कॉपर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन से डल हो जाता है. उसके बाद है ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक. जैसे बात है, कॉपर सल्फेट का सोलूशन और जिंक के साथ रिएक्ट करने रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर, और यानी इस प्रॉपर्टी में कॉपर सल्फेट का जो सोलूशन जो नीला कलर का होगा वो डिसअपियर हो जाएगा. तो ये दो रिएक्शन आप लिख लेंगे. तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इनको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें.